इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इन द फाइनल सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और हम बात करें लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में हम बात करें तो दो मेजर चीज़ें की गई, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और दूसरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने 91 लगते ही, जैसे ही गवर्नमेंट ने NEP डिस्कस किया, लिबरलाइजेशन डिस्कस किया, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने इंडियन रुपी को डीवैल्यू कर दिया। डीवैल्यू करने का मतलब है जानबूझ के उसकी परचेजिंग पावर को गिरा देना, जानबूझ के हायर एक्सचेंज रेट सेट करना जिससे उसकी परचेजिंग पावर लो हो जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे 91 ओपन हुआ, गवर्नमेंट ने जानबूझ के इंडियन करेंसी के अगेंस्ट जो एक्सचेंज रेट चलती है उसको हायर एक्सचेंज रेट सेट कर दिया और इससे इंडियन करेंसी की परचेजिंग पावर लो हो गई। ये डिवेल्यूएशन और एक्सचेंज रेट सिस्टम्स वगैरह, आप फॉरेन एक्सचेंज रेट जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक मेजर टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने इंडियन करेंसी की वैल्यू को डिवेल्यूएट किया तो हमारी करेंसी की वैल्यू अदर करेंसी के टर्म्स में लो हो गई, कम हो गई। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब हमारी करेंसी के अगेंस्ट ज़्यादा फॉरेन करेंसी हम अर्न कर सकते थे, या हम यूँ कह सकते हैं कि फॉरेनर्स को एक ऑप्शन मिला कि अब उन्हें ये साफ पता चल गया कि उनके एक डॉलर के बदले में या एक ब्रिटिश पाउंड के बदले में वो इंडिया में ज़्यादा परचेजिंग कर पाएंगे या ज़्यादा उनकी करेंसी कन्वर्ट हो पाएगी। इसका एक मतलब ये भी हुआ जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि अब फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी में ज़्यादा गुड्स परचेज कर पाएगी, यानी ओवरऑल मैं भी बात करूँ तो फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी एंड लोअर परचेजिंग पावर जो मैंने यहाँ लिखा है वो रुपीज़ की रहेगी। तो जैसे ही फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी ना, तो फॉरेनर्स इंडिया में ट्रेड करना ज़्यादा शुरू करेंगे और इसकी वजह से इंडिया में सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। हो सकता है अभी यहाँ पर आपको ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में डालने वाला टॉपिक लगे, तो प्लीज़ वेट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक। वहाँ जब हम इस चीज़ को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, एंड ट्रस्ट मी उस समय मैं आपको ये सारी डिटेल्स वापस एक बार समझा भी दूंगा। अगर अभी नहीं आ रहा है तो कीप दिस टॉपिक ऑन होल्ड, अभी आप इसको केवल याद करें। समझ में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के साथ इसको मर्ज करके पढ़ा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दो मेजर चीज़ें की। एक तो उन्होंने टैरिफ चार्जेस को मॉडरेट किया, मॉडरेट करने का मतलब है इजी गोइंग किया। पहले टैरिफ चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते थे, आपको अगर याद हो तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ को इनिशियल स्टेजेस में हमने 400% तक बढ़ाया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक को आप पढ़िए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पढ़िए, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन पॉलिसी, यानी कि जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी चल रही थी उसको हटा के एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी रखी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को हम प्रोटेक्शन पॉलिसी भी बोलते थे, जिसके थ्रू हमने इनोवेशंस वगैरह करना बंद कर दिया था, तो इसको हटाया गवर्नमेंट ने और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लगाई। और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के लगाती हमें सीधी बात है कि फॉरेन कंपनीज़ के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, और कंपटीशन में वही सर्वाइव कर पाएगा जो फिटेस्ट होगा या बेस्ट होगा। यानी हमने प्रोटेक्शन की पॉलिसी को रिप्लेस किया और उसकी जगह सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ओके, इन शॉर्ट यहाँ पर आपको कुछ मेजर टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी बिफोर लिबरलाइजेशन के नाम से। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ये इतना आपको ज़्यादा ट्रबलसम नहीं लगेगा। नंबर वन, इम्पोर्ट कोटास वर रिमूव्ड। जैसे लिबरलाइजेशन हुआ गवर्नमेंट ने सभी टाइप के इम्पोर्ट कोटास को हटा लिया। इम्पोर्ट कोटास का मतलब होता है इम्पोर्ट लिमिट। नंबर टू, बिफोर 1991 देयर वाज नीड ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, बट आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट लाइसेंस को कम किया
और आज की तारीख में इम्पोर्ट लाइसेंस आपको तभी लेना है जब आप या तो कोई नॉन इको फ्रेंडली गुड इम्पोर्ट कर रहे हो या फिर कोई बहुत हैजार्डस केमिकल है या ऐसा केमिकल है जो कॉमन पब्लिक के लिए हेल्थ वाइज या किसी भी वाइज में बहुत डेंजरस हो सकता है। तो नॉन इको फ्रेंडली गुड्स और हैजार्डस गुड्स को छोड़ के आपको कहीं पर भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर गोइंग टू हैव इम्पोर्ट लाइसेंस। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ड्यूटीज आर रिड्यूस्ड और मॉडरेटेड। पहले इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का फिगर या अमाउंट बहुत ज़्यादा होता था, अभी चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा हुआ है कि स्टार्टिंग में इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इम्पोर्ट को कम रखने के लिए गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे समथिंग अराउंड 400% तक का टैक्स लगाया था। तो आज की तारीख में इकनॉमी को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए इम्पोर्ट स्ट्रक्चर को या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के स्ट्रक्चर को कम किया है, मॉडरेट किया है या लो किया है। इसके साथ गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम्प्लीटली विथड्रॉ कर लिया, मतलब एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड लास्टली ट्रेड पॉलिसी वॉज इनेबल टू इंटीग्रेट इंडियन मार्केट विद ग्लोबल मार्केट टू अचीव ग्रोथ विद कॉम्पिटिशन। एक आपको टॉपिक याद हो तो हमने पढ़ा था कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिशन से बचा रहे थे, प्रोटेक्शन की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने 91 ओपन किया तो प्रोटेक्शन पॉलिसी को हटाया एंड इंडियन कंपनीज को कंपटीशन में उतारा और उस कंपटीशन को फेस करके ग्रोथ करने का मौका दिया। यानी कि अब हमने ये देख लिया कि प्रोटेक्शन के साथ तो हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम कंपटीशन करेंगे तभी ग्रोथ होगी।